रेस्टोरेंट से मोबाइल छीनने वाला गिरफ्तार। चंडीगढ़ के कलाग्राम स्थित जंगल बार रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय से मोबाइल स्नैचिंग करने वाला गिरफ्तार। बार का कर्मचारी जीवन कुमार खड़का रेस्टोरेंट से अपना काम खत्म करके पैदल जा रहा था घर। इंटरनेशनल लोहिया स्कूल के पास हरे और पीले रंग का ऑटो आया। ऑटो में बैठे तीन लोगों में से एक ने उससे पानी मांगा। पानी की बोतल जैसे ही दी, ऑटो ड्राइवर मोबाइल छीन हुआ फरार। मनीमादरा थाना प्रभारी नीरज शर्मा की अगुवाई में बनाई गई टीम। ऑटो ड्राइवर राकेश को पिंजौर के बस स्टैंड के पास स्थित हनुमान मंदिर से किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया छीना हुआ मोबाइल, अन्य सामान भी हुआ बरामद। डीएसपी पी अभिनंदन के अनुसार एक और पकड़ा बाइक चोर, बरामद की तीन मोटरसाइकिल। पकड़ा गया चोर दीपक कीकर 21 निवासी मौली जागरो कम्प्लेक्स का रहने वाला। चंडीगढ़ के मनी माजरा से अर्थ प्रकाश के लिए मनीष की रिपोर्ट। हमने ऑटो किया है, एक दो मनीमाजरा में, एक आईटी पार्क में, दो स्नैचिंग है इसमें, एक चोरी का केस है। ये स्नैचिंग जो है 24th नाइट को एक कलाग्राम में एक एम्प्लॉई है, कलाग्राम जंगल बार में एक एम्प्लॉई है, वो पैदल जा रहा था। उसमें से ऑटो से तीन लोग आए और छीने थे उसका फोन। तो इनका ऐसे हुआ था कि पहले एक बंदा बाहर आया था, उनसे पानी मांगा था, पानी पी रहा था। तीसरा ऑटो ड्राइवर जो है वो बाहर आ गया, दोनों मिलके इनके मोबाइल छीन के फिर ऑटो में बैठ के मार गए। तो इसमें एक स्पेशल टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था, SHO साहब नीरज आपके नीचे एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके इन्होंने अच्छा मेहनत किया था। पहले ऑटो को ट्रेस किया था, फिर उससे ऑटो ड्राइवर को पकड़ा, उससे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके बाकी को पकड़ा। ऑटो ड्राइवर के पास जो मोबाइल स्नैच हुआ था वो मिल गया था। जब मोबाइल स्नैच किया था, जो एम्प्लॉई है उसका, वो नेपाली सिटीजन है एक्चुअली। उस मोबाइल के साथ एक नेपाली सिटीजनशिप कार्ड भी था, वो सेकंड बंदे के पास रखा हुआ। ऑटो ड्राइवर का नाम राकेश है और जो सेकंड बंदा है उसका नाम करण है। करण के पास नेपाली सिटीजनशिप कार्ड भी रखा हुआ था। जब करण से और थोड़ा पूछताछ किया था और दो स्नैच्ड मोबाइल मिला है उनसे, उनके पास। तो जो ऑटो है उसको हमने इम्पोर्ट किया था और अभी टोटल तीन मोबाइल फ़ोन मिले हैं। एक मनीमाजरा में जो स्नैचिंग हुआ था उसको तो लिंक कर दिया, बाकी दो हमने 102 CRPC में इम्पोर्ट किया। और सेकंड केस है किक्कड़ करके एक है, या इसके एक मनीमाजरा में 6 जून को एक बाइक चोरी हुआ था। एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट किया था, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस हम कलेक्ट कर रहे थे। किक्कड़, इसका असली नाम दीपक है, ये मौली जागरा में रहता है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था, फिर इसको हमने अप्रहेंड किया था। इसके पास ये जो मनीमाजरा का जो स्टोलन बाइक है ये रिकवर हुआ था। और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने से और दो बाइक रिकवर हुआ है, टोटल तीन बाइक इससे रिकवर किया। जो ऑटो वाला है सर, क्या इसके ऊपर पहले से भी क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है? हाँ जी, ऑटो ड्राइवर जो राकेश है उसके अगेंस्ट एक पोक्सो का केस है। पंचकुला, ये पिंजौर का रेसिडेंट है, पंचकुला स्टेशन में एक केस है उसके ऊपर। और करण जो है, जिसके पास हमने नेपाली सिटीजनशिप कार्ड और दो मोबाइल रिकवर किया, इसके ऊपर भी दो केसेस हैं, दोनों मौली जागरा से है। एक रॉबरी का केस है और एक इंजरी का, एक लेडी का आंख में इन्होंने पंच मारा है। इसके 326 का ग्रीवियस का एक केस है करण। सर, दीपक से बाइक रिकवर हुई है, मनीमाजरा का एक केस है, बाकी 11 थाना का एक मलवाया था। दीपक के अगेंस्ट, हाँ, एक है पंचकुला के, पंचकुला में एक रॉबरी डकैती का एक केस है, एक डकैती का केस है इनके ऊपर, इन्होंने पंचकुला में ठेका लूटा था। एक्चुअली जो स्नैचिंग केस में तीन लोग इन्वॉल्व है, राकेश, करण और तीसरा एक जुआ नहीं। उन दोनों का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तो दो लोग और भी हैं, राकेश और करण का ना, राकेश और करण का एक है, राकेश का मैं बताया था ना, उसके अगेंस्ट एक पोक्सो केस है, पिंजौर का रेजिडेंट है, पंचकुला में एक पोक्सो केस है। करण के अगेंस्ट दो केसेस है मौली जागरा में, एक रॉबरी का और एक 326 ग्रीवियस हर्ट का केस है मौली जागरा। जो ये दीपक की अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता चलेगा। नहीं, इनके बारे में कुछ नशा का इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला नहीं, लेकिन जो आईटी पार्क में जो स्नैचिंग हुआ था उसके बारे में एक डिटेल बता देता हूँ। आईटी पार्क में इंदिरा कॉलोनी में एक ट्रक ड्राइवर आया था, उसका इंजन जब टेस्ट ड्राइव कर रहा था उसके इंजन में आवाज़ आ रहा था, वो नीचे उतर के उसका इंजन एग्जामिन कर रहा था। उस समय एक बंदा आके उससे फ़ोन छीन के चला गया, उसका नाम अंकित है। अंकित का अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है, वो थोड़ा नशा भी लेता है और उसका एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, चोरी का एक केस है, मनीमाजरा थाना में रजिस्टर्ड। फिर हमने सारे फैक्ट्स वेरीफाई करके
उसके पेरेंट्स के साथ उस बच्चे को यूनाइट करा दिया तो बच्चा अभी एनजीओ में वो उस एनजीओ से एक लेटर भी ले लेंगे हम वो एनजीओ वाले लेटर ले रहे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पे तो अभी एक मोटरसाइकिल चोर भी है ना स्नैचिंग में तीन है जूनाइल स्पीकर सर इसमें रिमांड भी वगैरह हाँ रिमांड ले रहे हैं ओपन कर दिया इसलिए कि जो भी जेल से बेल में आ रहे हैं बाहर उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस हम ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।